दोस्तों नमस्कार, स्पोर्ट्स जीके का चौथा पार्ट है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछला जो हमारा वीडियो था थर्ड नंबर का, उसमें एक गलती हो गई है, उसको आप सुधार कर लीजिए। तो गलती यह थी कि उसमें एक शब्द पूछा था आपसे, गुरु पकड़। तो उसमें मैंने बताया था कि गुरु पकड़ का संबंध मलखम से है, यह तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था वह गलत हो गई थी। देखिए, मलखम से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है वह जो है प्रभास जोशी के नाम से दिया जाता है, ना कि शरद जोशी के नाम से दिया जाता है। उसमें मैंने गलती से शरद जोशी बोल दिया था, तो कृपया आप इसमें सुधार कर लीजिए कि जो मलखम से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है वह प्रभास जोशी के नाम से दिया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि देखिए, स्पोर्ट्स से संबंधित यदि आप पूरी बुक लेना चाहते हैं, वन लाइन फैक्ट में दी गई है, अलग अलग खेल से संबंधित अलग अलग, यहाँ पर आप देख लें कि इस बुक को यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप जो है पूरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की ई बुक 1 साल की बिल्कुल फ्री मिलेगी, जिसमें आपको जो है नवंबर और दिसंबर का भी करंट अफेयर्स इसमें हम दे देंगे। इसमें यदि आप सिर्फ मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स अकेली सिंगल बुक परचेस करना चाहते हैं तो भी आप इस जो है नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी परचेस करना उस नाम से आप व्हाट्सअप कर दीजिए, बाकी डिटेल्स आपको बाद में मिल जाएगी। चलिए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं आज का। हम देखें अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में सर्वप्रथम किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता। तो अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में सर्वप्रथम किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता, यह भारतीय महिला की बात हो रही है, तो आशा अग्रवाल की। कब जीता था इन्हें? 1985 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। किसमें? अंतरराष्ट्रीय मैराथन में। नेक्स्ट प्रश्न है, एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया मतलब कि AAFI की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी दोस्तों? वर्ष 1946 में एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगर आगे हम बढ़े और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है केनेथ पावेल का संबंध किस खेल से है। तो केनेथ पावेल जो है इनका संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स से, या धावक है। ठीक है, याद रखें इस तरह का प्रश्न MBBSC 2 से 3 प्रश्न हर साल पूछती है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? आपको भी पता होना चाहिए कौन सा है दोस्तों, डूरंड कप। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि प्रथम डूरंड कप का आयोजन कब किया गया था और कहाँ किया गया था, तो कब किया गया था? वर्ष 1888 में, 1988 में। कहाँ किया गया था? शिमला में इसका आयोजन किया गया था, और यह फुटबॉल की सबसे पुरानी स्पर्धा है। आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है प्रथम महिला क्रिकेट एम्पायर कौन बनी थी। पिछले वीडियो में मैंने आपको पुरुष एम्पायर बताया था, इसमें आप महिला एम्पायर के बारे में देख लीजिए। तो प्रथम महिला क्रिकेट एम्पायर का नाम क्या है? अंजलि राजगोपाल। क्या है दोस्तों? अंजलि राजगोपाल इनका नाम है। आगे हम बढ़े और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पॉम ट्री हिटर के नाम से किस क्रिकेट खिलाड़ी को जाना जाता है? तो पॉम ट्री हिटर के नाम से हम पॉली उमरीगर को किसको जानते हैं दोस्तों? पॉम ट्री हिटर के नाम से पॉली उमरीगर से, यह एक क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है एशियाई खेलों में पदक जीतने वाला प्रथम निशानेबाज कौन है? तो एशियाई खेलों में यदि आपसे पूछ ले कि प्रथम निशानेबाज कौन है जिन्होंने पदक जीता था, तो आंसर क्या रहेगा इसका? गुरुचरण सौ। वर्ष 1962 में इन्होंने यह पदक जीता था। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1951 में, 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोपा कप का संबंध किस खेल से है? आप सारे कप्स जो हैं और इंडिया के और खासकर MP के जो संबंधित कप और खिलाड़ियों के नाम उनको याद कर लीजिए, 2 से 3 प्रश्न आपके इन दोनों चीज़ों में आपके निश्चित रूप से आ जाएंगे। तो कोपा कप का संबंध किससे है दोस्तों? फुटबॉल से इसका संबंध, किससे? फुटबॉल से इसका संबंध है। आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न है भारत के अनूप श्रीधर किस खेल से संबंधित हैं? तो अनूप श्रीधर का संबंध किस खेल से है दोस्तों? इसका आंसर रहेगा बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक टेस्ट श्रृंखला में सर्वाधिक 3 दोहरे शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सर डॉन ब्रैडमैन। किसके नाम है दोस्तों? एक ही श्रृंखला में जो है 3 दोहरे शतक इन्होंने बनाया था। कब बनाया था दोस्तों? 1930 में इंग्लैंड के विरुद्ध। कुछ भी प्रश्न पूछे आप इसमें बता दीजिए, नाम क्या है? सर डॉन ब्रैडमैन। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, ग्रैंड स्लैम तो आपको पता ही है, कई बार मैं वीडियो में बता चुका हूँ, टेनिस की प्रतियोगिता है, प्रथम बार किस भारतीय जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब जीता? तो भारतीय जोड़ी ने जो है ग्रैंड स्लैम में, किसी भी ग्रैंड स्लैम में पहली बार पुरुष युगल खिताब जीता, कौन कौन थे? लिएंडर पेस और महेश भूपति। उन्होंने कब जीता था? 1999 में फ्रेंच ओपन में इन्होंने युगल खिताब जीता था।
अगला प्रश्न है, अमेरिकन ओपन मतलब कि यूएस ओपन 2019 का खिताब जो है किसने जीता? सिंगल की बात कर रहे हैं, पुरुष सिंगल की बात यहाँ पर हो रही है। तो अमेरिकन ओपन 2019 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? आंसर इसका रहेगा राफेल नडाल। किसने दोस्तों? राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं उनको हरा कर इन्होंने यह खिताब जीता है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि यूएस ओपन 2019 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। इसके अलावा एक और जानकारी दे दूँ मैं आपको, जो मैंने वीडियो के पहले आपको वो एक व्हाट्सअप नंबर दिया था, यदि देखिए मैं फ्री कंटेंट भी आपको उसमें प्रोवाइड कराता हूँ, यदि आप उसमें ज्वाइन ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप उसमें वीडियो में जो है उसमें मैसेज डाल दीजिए उसी व्हाट्सएप पे कि ग्रुप में जो सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बहुत सारे जैसे कि आज ही मैंने सारे यूएस ओपन जितना भी जिसने जीता है कब जीता उसका एक पूरा फॉर्मूला और ट्रिक के बारे में उसमें एक पीडीएफ सेंड किया था उसमें, तो जो जो ग्रुप में जुड़े हैं उनको तो याद होगी, जो नहीं जुड़े हैं वो इस तरह से इसको भी जो है अब जुड़ जाएं, उसमें आपको मैं वापस उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न है 38 बार राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, सॉरी 39 बार राष्ट्रीय खेल 2022 में आयोजित किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों? मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा, जो है आयोजन किया जाएगा। और 38 बार जो किया जाएगा वर्ष 2020 में, कब किया जाएगा? वर्ष 2020 में, और कहाँ पर किया जाएगा? उत्तराखंड में किया जाएगा। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि 37 बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया, करंट न्यूज है इसलिए आपको बनना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, छठवा प्रो कबड्डी लीग 2018-19 का खिताब किसने जीता? करंट का प्रश्न है, निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, छठवा प्रो कबड्डी लीग 2018-19 का खिताब बेंगलोर बुल्स ने गुजरात फॉर्च्यून जॉइंट को हराकर किसको जीता है? बेंगलोर बुल्स ने जीता है गुजरात फॉर्च्यून जॉइंट्स को हराकर यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी वाइचिंग भूटिया किस प्रदेश के रहने वाले हैं? तो वाइचिंग भूटिया का नाम आपने सुना होगा कई बार न्यूज में, यह किस प्रदेश के रहने वाले हैं दोस्तों? सिक्किम के यह रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? तो गोल्डन गर्ल सबको ही पता होना चाहिए, यह प्रश्न जिसको नहीं पता है बिल्कुल याद कर लीजिए। प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 और द्वितीय विश्व कप क्रिकेट 1979 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? ठीक है, यहाँ पर क्रिकेट विश्व कप की बात हो रही है, तो 1975 और सेकेंड विश्व कप 1979 में एस वेंकट जो है वेंकट राघवन जो है इसके कप्तान थे, और तीसरा वर्ल्ड कप हमने जीता था जिसके कपिल देव कप्तान थे। अगला प्रश्न है, अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ किस वर्ष हुआ दोस्तों? वर्ष 1983 में। मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि यह टूर्नामेंट मलेशिया सरकार द्वारा किया जाता है और हर साल जो है मलेशिया में इसका आयोजन होता है, और सर्वाधिक बार इसमें ऑस्ट्रेलिया ने इसका खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? पिछले साल एग्जाम में हमने देखा था कि वर्ष 2008 में अर्जुन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था, ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया था, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सचिन तेंदुलकर से सवाल पूछ लिया जाए। तो सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो आंसर रहेगा 1979 और जो है 1997-98 में इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश कनितकर का संबंध किससे है दोस्तों? यह क्रिकेट से संबंधित है, यह जो है ऋषिकेश कनितकर। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2008 में आयोजित प्रथम आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का विजेता कौन सी टीम रही थी? बहुत सिंपल प्रश्न है, यदि आप क्रिकेट प्रेमी हैं और क्रिकेट देख रहे हैं तो आप बता सकते हैं, राजस्थान रॉयल्स ने जीता था चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर, और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन थे? शेन वॉर्न। और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान तो आपको पता ही है, जब 2008 से लेकर आज तक जो है वही है, मतलब कि हमारे कप्तान जो थे महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, विश्व कप क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी, तो विश्व कप क्रिकेट में पहली बार दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी यहाँ पर हम देखें क्रिस गेल, और वर्ष 2015 में इन्होंने 2215 रन बनाए थे। कितने रन बनाया था? 215 रन फरवरी 2015 के वर्ल्ड कप में इन्होंने पहली बार दोहरा शतक लगाया था। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो सीधी सी बात, यदि आपसे गज में पूछ ले तो 22 गज, और मीटर में यदि आपसे पूछ ले तो 20.12 मीटर जो है क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करें, लाइक करें, और कम से कम 10 से 15 अपने दोस्तों को फेसबुक इंस्टा और जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।